आप देख रहे हैं SPNI न्यूज, मैं राशिद अली। दरअसल कई राज्यों में चुनावों का दौर आ चुका है और वहां पर चुनावों की तैयारी हो चुकी है। सारी तैयारी, सारा ब्यौरा, सारा आप जिस तरह से कह सकते हैं, सारी कार्यकारिणी तैयार हो चुकी है और किस पर काम करना है, मुद्दे सभी तैयार हो चुके हैं। तो वहीं लोगों को लुभाने के लिए खास पैंतरे भी चले जा रहे हैं। जी हाँ, क्योंकि अब लोगों को लुभाने के लिए अब सरकारें, पार्टियां कौन कौन से दांव चलेंगी, ये आपको देखना होगा कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि सरकारें अब ऐसे में क्या क्या वादे करती हैं, ऐसी एक बड़ी खबर आई है मध्य प्रदेश से, जहां पर कांग्रेस ने दलितों को लुभाने के लिए एक बहुत बड़ी चाल चली है। जबकि मैं आपको बता दूं कि मायावती, बसपा सुप्रीमो मायावती भी मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुके हैं, और वो भी सभी 230 सीटों पर। और देखने वाली बात यह है कि अब मायावती जो 230 सीटों पर लड़ने का ऐलान कर चुकी हैं, क्या उनकी चाल चलेगी, क्यों क्या उनका कुछ वहां पर होगा, या फिर कांग्रेस ने ये जो बड़ी चाल चली है वो सबको मात देगी। और 15 सालों से जो सरकार सत्ता में है, शिवराज सरकार, वो कौन सी चाल चलेगी, देखने वाली बात है। मैं आपको सीधे लेके चलता हूं खबर पे। पहले आप देखिए, मध्य प्रदेश दलितों को लुभाने के लिए कांग्रेस का ऐलान, सरकार बनी तो ये नेता होंगे डिप्टी सीएम। कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी दीपक बाबरिया के बयान ने उन्होंने अपने बयान में कहा है कि अगर मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनेगी तो सुरेंद्र चौधरी उप मुख्यमंत्री बनेंगे। को बता दें, मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में अभी 5 महीने का समय बचा हुआ है, लेकिन कांग्रेस में मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर निर्णय नहीं हो पा रहा है, लेकिन डिप्टी सीएम का ऐलान कर दिया है। यहाँ एक खास बात देखिए, ये चुनावी पैंतरा नहीं तो और क्या है। ऐसे में कांग्रेस ने अपने डिप्टी सीएम के पद के उम्मीदवार का ऐलान कर दिया है। कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी दीपक बावरिया ने बयान दिया है कि अगर मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनेगी तो सुरेंद्र चौधरी उप मुख्यमंत्री बनेंगे। दरअसल अनुसूचित जाति मोर्चा के कार्यक्रम में बोलते हुए प्रदेश प्रभारी दीपक बाबरिया ने कहा कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने पर दलितों को वरीयता दी जाएगी। इस आधार पर सुरेंद्र चौधरी इस पद के लिए बेहतर उम्मीदवार होंगे। बाबरिया ने आगे कहा, जमुना देवी जिस तरह मध्य प्रदेश में उप मुख्यमंत्री बनाई गई थी, अगर प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी तो सुरेंद्र चौधरी उप मुख्यमंत्री हो सकते हैं, सुरेंद्र चौधरी डिप्टी सीएम का चेहरा हो सकते हैं। दीपक बाबरिया ने आगे कहा, कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने सुरेंद्र चौधरी को खुद कार्यकारी का अध्यक्ष बनाया है। बता दें, सुरेंद्र चौधरी वर्तमान में कांग्रेस के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष हैं। वहीं मध्य प्रदेश कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष सुरेंद्र चौधरी ने कहा कि पार्टी हाईकमान जो भी भूमिका तय करेगा वो निभाएंगे। जी हाँ, अब आपको बता दें कि आखिर कितना वोट बैंक है जो ये पासा फेंका गया है, जो इस स्टंट किया गया है। बाबरिया का बयान इसलिए अहम है क्योंकि मध्य प्रदेश में करीब 16% वोट बैंक दलित वर्ग है। 16%, यानी कि आप समझ सकते हैं एक बड़ा वर्ग है। वहीं 35 सीटें ऐसी हैं जो अनुसूचित जाति वर्ग के लिए आरक्षित हैं। कांग्रेस की नजर इसी वोट बैंक पर है, यही वजह है कि कांग्रेस ने इस वोट बैंक को साधने के लिए उप मुख्यमंत्री का कार्ड खेला है। 16% वोट बैंक दलित वर्ग है और 35 सीटें ऐसी हैं जो अनुसूचित जाति के लिए वर्ग के लिए आरक्षित हैं, और इसी को लिए कांग्रेस आगे है। क्योंकि कांग्रेस रणनीति अब पहले से पहले चल रही है। आप देख सकते हैं कि कांग्रेस बीजेपी को मात देने लगी है। जहां एक और कांग्रेस ने इस तरह पासा फेंका है, तो वहीं मैं आपको दिखाता हूं कि कांग्रेस की हुंकार। एक तरफ मध्य प्रदेश में सीएम शिवराज सरकार किसानों को लुभाने में लगे हुए हैं, हर वर्ग को लुभाने में लगे हुए हैं, किसानों को, लोगों को, कर्मचारियों को लुभाने में लगे हुए हैं, तो वहीं ज्योतिरादित्य सिंधिया भरे मन से किस तरह हुंकार भरते हैं और शिवराज सरकार को ललकारते हैं, देखिए खास रिपोर्ट में। कमलनाथ जी का इतिहास केवल आप सब नहीं जानते, कमलनाथ जी का इतिहास मध्य प्रदेश की जनता केवल नहीं जानती, कमलनाथ जी का इतिहास भाजपा का केवल एक ही कार्यकर्ता नहीं जानता, लेकिन कमलनाथ जी का इतिहास विश्व का एक एक व्यक्ति भी जानता। इतिहास में कहा जाता है कि कभी कभी मौका आता है जब
पद ग्रहण होता है तो उस पद से व्यक्ति सुशोभित हो जाता है। लेकिन आज मौका है कि जब इस मध्य प्रदेश कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष के रूप में राजीव सिंह जी जा रहे हैं, कमलनाथ जी पद ग्रहण कर रहे हैं, तो वह इस पद को सुशोभित कर रहे हैं। और इस घड़ी में जहां कमलनाथ जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी हम सबके साथ मिलकर इस आने वाले इम्तिहान के घड़ी में हम जमीन पर कूदेंगे, उसी स्वर में भी मध्य प्रदेश कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष अरुण यादव जी को भी मैं अपने तहे दिल से धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूं। एक कांग्रेस के कार्यकर्ता के रूप में चार साल जब संकट के बादल मंडरा रहे थे, प्रदेश में और देश में बीजेपी की सरकार पंजाब वाला झंडा लेकर अरुण यादव ने चार साल इस कांग्रेस का मान सम्मान बना के रखा है। और मैं उनको कहना चाहता हूं, पद हो या न हो, आप ये विश्वास रखो कि कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता केवल नहीं, कांग्रेस का हर नेता भी आपके साथ खड़ा है। आज भाजपा ने मेरे और आपके प्रदेश का क्या हाल कर दिया है। शिवराज सिंह जी के 14 साल और मेरा और आपका प्रदेश पूरी तरह से बेहाल। 14 साल शिवराज सिंह जी का, मेरा और आपका प्रदेश बेहाल, लेकिन भाजपा का एक एक नेता माला माल। आज मेरा किसान परेशान है, आत्महत्या करता है, तो भाजपा के मंत्री कहते हैं कि ये तो रोज की बात होती है। मेरी महिलाओं के ऊपर बलात्कार हर दिन 12 बलात्कार होती है। जम्मू कश्मीर में मंत्री कहते हैं ये कोई बड़ी बात नहीं होती। अरे भैया, ये मेरा आपका देश है जहां अगर महिलाओं का मान सम्मान नहीं बचा तो भारत का अस्तित्व नहीं बचा। जहां मेरी महिलाएं पता रहे, मेरे किसान पता रहे, मेरा नौजवान बेरोजगार घूम रहा है। और इन्होंने तो कहा था कि वादा तो ये था कि प्रति साल 2 करोड़ का। तो देखा आपने कि किस तरह से ज्योतिरादित्य सिंधिया बिल्कुल ही सीएम शिवराज सरकार को ललकार रहे हैं। दरअसल वहां पर ये जो कार्ड खेला गया है दलित कार्ड, क्योंकि वहां पर अभी बताया 16% वोट बैंक दलित वर्ग है, और जबकि 35% सीटें ऐसी हैं जो अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। लेकिन अब सवाल ये कि आखिर कांग्रेस यहां बहुत सतर्क दिखाई दे रही है, क्योंकि यहां 15 सालों से बीजेपी की सरकार है और कांग्रेस वनवास काट रही है, और कांग्रेस अब ये वनवास कैसे पूरा करेगी, इस साल पूरा कर पाएगी या नहीं, क्योंकि उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो गया है। और इस बार कांग्रेस के हाल देखकर लग रहा है कि वो जीत जाएगी, क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया हो गए और वहाँ की कमान संभालने वाले कमलनाथ हो गए, सीनियर नेता वहाँ पर हैं और ये दरअसल लड़ रहे हैं। दरअसल वहाँ पर हर चीज़ पर नज़र बनाए हुए हैं, और कांग्रेस सांसद जो कि ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं, इन्होंने ये तक कह दिया है कि वो जब तक फूलों की माला नहीं पहनेंगे जब तक शिवराज सरकार को उखाड़ नहीं फेंकते, उनका ये बयान भी आया था। लेकिन अब खबर ये है कि आखिर ये वोट बैंक कितना काम करेगा, कांग्रेस का ये दलित कार्ड कितना काम करेगा, और मायावती वो क्या करेंगी। मायावती भले ही यहाँ पर अगर, और उन्होंने अभी गठबंधन का भी ऐलान नहीं किया है कि वो किसी के साथ गठबंधन करी, अगर ऐसी स्थिति में वो कांग्रेस के साथ जाती हैं तो कांग्रेस को फायदा मिलेगा, अगर नहीं
और अगर वो कांग्रेस के साथ नहीं जाते और मायावती किसी को समर्थन नहीं करती तो कांग्रेस को नुकसान होगा, और इसी के चलते कांग्रेस ने ये स्टंट किया है, कांग्रेस ने ये दावा किया है, कांग्रेस ने ये पासा फेंका है। और अब देखना होगा कि आखिर इस पासे का काम कैसे होगा, ये पासा कांग्रेस की चाल कितनी कामयाब होगी। तो आज के लिए बस इतना ही, अगली बार फिर होगी मुलाकात, दीजिए इजाज़त, नमस्कार।